हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फुल अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वेल्थ सीजन कैरम पास की। जी हाँ फ्रेंड्स, और फाइनली यहाँ पे हमारा इस कैरम पास में ड्रीम स्ट्राइकर ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो कंप्लीट वॉच करिए, आपको पता चल जाएगा मैं किस स्ट्राइकर की बात कर रहा हूँ। वैसे आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के। तो फ्रेंड्स, ये कैरम पास काफ़ी लकी रहा क्योंकि ये स्ट्राइकर मेरा काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा था, सिर्फ 2 पॉइंट्स बचे थे, लेकिन फाइनली ये ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोग पूछते हैं कि कैरम पास में कौन सी ट्रिक यूज़ करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइकर न्यू ओपन हो सके। तो फ्रेंड्स, आप VPN लगा के ओपन कर सकते हैं कैरम पास, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके मेरे चैनल पर उसको चेक कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बता दूँ, पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी दो आईडी सेल की मैंने अपलोड की थी। तो जो लोग अब वीडियो देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, तो वो 55 लेवल वाली आईडी के लिए कांटेक्ट ना करें, क्योंकि 55 वाली लेवल की जो आईडी थी वो सेल हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर किसी को लेना है तो 32 लेवल वाली के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रहे, जेन्युइन बायर जो हो वही लोग कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि उससे फ्रेंड्स काफ़ी लोग हैं वो फालतू के लिए मैसेज करते हैं, जिससे उनका भी टाइम ख़राब होता है और हमारा भी टाइम ख़राब होता है। तो आप लोग ऐसा ना किया करें, अगर आपको जेन्युइन बाई करना हो तभी आप कांटेक्ट किया करें, अदरवाइज़ आप कांटेक्ट ना किया करें। और कुछ लोग कॉल करने लगते हैं, कॉल मत किया करिए, मैसेज पे बात हो जाती, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। और हाँ फ्रेंड, जो 55 लेवल वाली आईडी थी वो एक अंकित भाई हैं, उनको मैंने सेल की है। जी हाँ फ्रेंड्स, और अंकित भाई के लिए थोड़ा बताना चाहता हूँ कि वो आर्मी के लिए काम करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, वो एक सोल्जर हैं, तो उन्होंने ये आईडी देख रखी थी, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला और उन्होंने कोई बार्गेनिंग कुछ नहीं किया, उन्होंने तुरंत गूगल पे से पेमेंट कर दी और मैंने उनको आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया। और हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि ट्रस्ट कैसे करें, तो जितने लोग मुझे जानते हैं आज तक मैंने कभी किसी से फ्रॉड नहीं किया। तो मैं पहले उन्होंने पेमेंट की थी, देन मैंने उनको आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया। काफ़ी अच्छे नेचर के लगे और हमको प्राउड भी होना चाहिए क्योंकि वो एक सोल्जर हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दूसरा बॉक्स अभी मैं ओपन करूँगा, दूसरे बॉक्स में मेरा लीजेंडरी स्ट्राइकर ओपन होगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग ट्रस्ट की बात करते हैं, तो जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने आज तक किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है, मेरे नाम से किसी ने आईडी बना के किसी पेज पे आपके साथ फ्रॉड किया तो वो अलग बात है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे नाम से कोई भी फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजे या कोई आपको कहीं आईडी दे देंगे, कॉइन दे देंगे या वर्ड टॉप करवा देंगे, कुछ भी बोले, तो आप उसको डायरेक्ट मना कर दिए, बिल्कुल बिलीव मत करिए। क्योंकि अगर मैं जो कुछ यूट्यूब पे बोलूँ सिर्फ वही जेन्युइन होगा, और जो मैं कॉन्टैक्ट दूँ सिर्फ वही जेन्युइन है, उसके अलावा आप कहीं भी कोई पेज हो कुछ हो तो वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करिएगा, क्योंकि 95% लोग फ्रॉड हैं इस कैरम पूल में, तो आपको अच्छे से पता होगा, जो लोग खेलते हैं उनको मालूम होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे हमारा सेगिटेरियो लीजेंडरी स्ट्राइकर ओपन हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इसी की बात कर रहा था, क्योंकि यही एक लौता स्ट्राइकर है दिया स्ट्राइकर के बाद जिसका एम फुल है, तो फेयर प्लेयर्स के लिए ये काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि फुल एम होना आपको पता है वो जो कैरम बोर्ड होता है उसके एंड पॉइंट तक टच करती है इसकी लाइन, जिससे हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है सामने की पक खेलने में। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्राइकर काफ़ी दिनों से अटका था, तो फाइनली यहाँ पे ओपन हो गया। बाकी बॉक्सेस में तो कुछ खास नहीं निकला, लेकिन जो स्ट्राइकर का मैं वेट कर रहा था पर्सनली, वो हमारा ओपन हो गया। तो यहाँ पर देख सकते, बाकी में तो और रिपीट हो गया था स्ट्राइकर, लेकिन जो सेगिटेरियो है वो हमारा ओपन हो गया था। तो ये, और हाँ फ्रेंड्स, इस कैरम पास में तो कुछ ग्लिच भी चल रही, कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि जब वो इमोजी सेक्शन खोलते हैं तो वहाँ पे एक इमोजी बहुत बड़ा दिखा रहा है, और कुछ लोगों के साथ ये ग्रैंड मास्टर चेस में या गोल्डन शॉट में भी ग्लिच हुआ है, क्योंकि जब वो ओपन कर रहे हैं तो बॉक्स कई बार हो जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, 5 बॉक्स या किसी को 8 बॉक्स मिल गए, क्योंकि उन्होंने मिनिमाइज़ किया तो 2-2 बार ओपन हो गया, तो उनका फ़ायदा भी हो गया, कई स्ट्राइकर भी उनके ओपन हो गए। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि मिनी क्लिप को जैसे ही पता चलेगा तो वो फिक्स कर देगी, एक अपडेट देगी, उसमें फ़िक्स होगी हो जाएगा। आपको याद होगा जब क्रिकेट सीजन कैरम पास आया था तो उसमें भी एक इमोजी बहुत बड़ा दिखा रहा था, तो उतनी टाइम था, लेकिन कुछ दिनों बाद मिनी क्लिप ने एक अपडेट दिया था जिसके बाद वो सही हो गया था, वो छोटा हो गया था। तो यहाँ भी जब मिनी क्लिप को पता चलेगा तो फिर वो सही कर देगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मिनी क्लिप ने ये कैरम पास काफ़ी जल्दबाजी में ऐड किया है, क्योंकि इतना लेट हो रहा था तो उनके इंजीनियर्स ने जैसे तैसे इसको ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें इमोजी वगैरह देखिए आप कुछ खास है नहीं, तो उन्होंने जल्दबाजी में ऐड करने के चक्कर में हो सकता उनसे मिस्टेक हो गई हो, जिसकी वजह से हमको ऐसा शो हो रहा है। तो काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे थे तो पूछ रहे थे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका जो कैरम पूल है जब अपडेट आ जाएगा तो वो सही हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो फ्रेंड देखिए फाइनली एक ही स्ट्राइकर ओपन हुआ, बाकी सब रिपीट हुआ, लेकिन अब सारे स्ट्राइकर पावरफुल मेरे पास इस आईडी में हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।